साल से सेलिंग कर रहा हूँ और इस सेलिंग के दौरान मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें ऑपरचुनिटी से रिलेटेड बहुत ही सारे सवाल हैं जिनके उन्हें जवाब आसानी से नहीं मिलते हैं। मुझे फिर अपना टाइम याद आ जाता है जब मैं 2010 में मरीन इंजीनियरिंग में जाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ढूंढ रहा था इंटरनेट पे। तब उस समय मुझे बहुत मुश्किल होती थी ढूंढने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट मिलेगा, बट उसके लिए बहुत ही सारा टाइम आपको देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को आपको सवाल पूछने पड़ेंगे और इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि आपको एक जगह कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है, आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग के पास सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर इसी वीडियो में देना चाहता हूँ कि आपको मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है। ये चैनल इसीलिए मैंने बनाया है, मैं कोरा पे कई सारे आंसर्स लिखता हूँ इसी के रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, बट उस कोरा पे मुझे कई सारे लोगों ने क्रॉस क्वेश्चंस भी किए हैं, कई सारे उनके डाउट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे एक सवाल का एक ही जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों को एक बार में ही सारे जवाब देना चाहता हूँ, और अगर आपको मेरे आंसर्स पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट्स के सेक्शन में आप मुझे सवाल पूछिएगी और आपको जानने की क्या इच्छा है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है। तो मर्चेंट नेवी देखिए आजकल इंडिया में क्या हो गया है कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के थ्रू IMUCET कंडक्ट करवाती है। तो ये IMUCET के थ्रू आप लोग 4 साल का मरीन इंजीनियरिंग, 3 साल का BSc नॉटिकल साइंस और 1 साल का DNS कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी एज लिमिट 17 ईयर से 25 ईयर्स तक है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो उसकी एज से रिलेटेड है, और IMU के टोटल इंडिया में 6 कैंपसेज हैं, और इससे पहले जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स थे वो अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, बट अभी इंडिया में क्या हो गया है कि IMUCET के थ्रू आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन मिल सकता है। तो इंडिया में अभी IMU के अंडर फ़िलहाल 18 इंस्टीट्यूट्स हैं, और इस 18 इंस्टीट्यूट्स में कम से कम 2000 सीट्स हैं, और एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा तो इसमें 2030 सीट्स हैं जो मैंने IMU की वेबसाइट से पता लगाया है। तो आप भी IMU की वेबसाइट पर जाके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहाँ से पता कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने बायो में दिया हुआ है नीचे। और आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो इस साल का जो IMUCET का एग्ज़ाम है उसके डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। 1 अप्रैल 2019 से उसका एप्लीकेशन खुल चुका है, जो कि 8 मई तक खुला रहेगा, और इसका एग्ज़ाम 1 जून 2019 को हुआ जाएगा। इस एग्ज़ाम में आपको 200 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसका आप लोगों को अगर मरीन इंजीनियरिंग में या DNS में या नॉटिकल साइंस में जाना है तो आपको 10+2 में आपके पास आपने PCM पढ़ा हो, PCM में आपके कम से कम 60% हो, ये टोटल परसेंटेज नहीं है, ये PCM के परसेंटेज हैं जो आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए, और या तो आपके 10वीं कक्षा में या तो 12वीं कक्षा में आपके कम से कम 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। ये किसी एक में भी हो सकते हैं, या तो 10वीं में या तो 12th में, कंपलसरी नहीं है कि दोनों में हो, किसी एक में भी हो तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फिज़िकल फिटनेस पे। फिज़िकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है मर्चेंट नेवी में, क्योंकि आप घर से दूर रहेंगे, आप शिप पे रहेंगे, आप तीन समुद्र में रहेंगे, तो आपकी फिज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल फिटनेस के दौरान आपका मेडिकल टेस्ट में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ECG, आपका एक्सरे, कई चीज़ें की जाती हैं, पर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि आपका आई साइट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अगर नॉटिकल साइंस में जाना है तो आपका आई साइट 6x12 तक हो सकता है, बट हमेशा 6x6 वो लोग प्रेफर करते हैं। और अगर आप मरीन इंजीनियरिंग साइड में जाना है तो आपका आई साइट 6x18 तक वो एक्सेप्ट करते हैं।
दोस्तों जब आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तो आप आईएमयू की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ₹1,000 है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए, और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए ₹700 हैं। आपके टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया उसमें 200 MCQ के क्वेश्चन आते हैं। आईएमयू के सेंटर पूरे इंडिया में 36 सिटीज़ में कंडक्ट किए जाते हैं। ये इनके रिजल्ट्स विद इन 5 to 6 days आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स आने के बाद आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। इसमें आप ध्यान रखिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग में सिर्फ आईएमयू अपने जो उनके जो 6 campuses हैं उसके लिए ही काउंसलिंग कराएगा। जो इसके 18 institutes हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन 18 institutes को आपको उनके अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे। वो आप उनके इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाके भर सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में उनकी लिस्ट दे दूंगा जो 18 institutes अफिलिएटेड हैं आईएमयू सीटी के थ्रू, जहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा पहला वीडियो YouTube पे, और अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, आपको कोई और सवाल है इससे रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को पूछिए, और मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सब कुछ पता चल जाए, आपको कहीं यहाँ वहाँ ना भागना पड़े। इंटरनेट पर आपको मेरे वीडियो के थ्रू ही सब कुछ पता चल जाए, और ज़रूर सवाल पूछिए। ऑल द बेस्ट इस साल के आईएमयू सीटी के लिए।